वैसे तो बॉलीवुड के फिल्मों में बहुत अच्छे गाने सुनने को मिलते ही कहाँ है। गाने के नाम पर रिमिक्स सुनने को मिलता है या उटपटांग सा कुछ सुनने को मिलता है कि बस मजा खत्म हो जाता है। लेकिन थैंक्स टू दिस श्रीकांत मूवी कि इसका जो एक गाना आया है, जो तू मिल गया दीवाने हो गए हम तेरे प्यार में, मतलब इतना अच्छा ये गाना है, इसका लिरिक्स इतना बढ़िया है, जबरदस्त है कि इस गाने को मैंने कई बार सुना और मुझे वो फील आई दोस्तों जो कभी बहुत दिनों से बॉलीवुड की फिल्म के गानों से नहीं मिल रही थी। ये गाना कितना सॉफ्ट है, रोमांटिक है, म्यूजिकल है, और सबसे बड़ी बात की यह गीत जो है सीधे दिल में उतरती चली जाती है। इसका जो म्यूजिक है, इसमें जो गाने वाले हैं जुबिन नौटियाल और तुलसी कुमार की आवाज, आय हाय हाय क्या जबरदस्त, और लिखने वाले श्लोक लाल, म्यूजिक दिया है तनिष्क बागची ने, और फिल्म का गाना इतना सुंदर है, इतना बढ़िया है, इसे कहते हैं गाना। जी हाँ, इसे कहते हैं गाना, वो गाना जिसे बॉलीवुड बहुत दिनों से ला नहीं पा रहा था। एक सॉफ्ट रोमांटिक म्यूजिकल जो गाना होता है, मेलोडी सॉन्ग होता है, वो इसमें है। इसके गानों में जो वर्डिंग से इस्तेमाल किया गया, जिस तरह से डिस्क्राइब किया गया है प्यार की भावनाओं को, फीलिंग को, बहुत ही अच्छा लगता है। तेरे कंधों पे सर रख के दिन ढल जाए तो कितना अच्छा हो, ऐसे ऐसे वर्ड्स है इसमें जो प्यार की गहराई को, पहले प्यार को दर्शाते हैं, और बहुत ही अच्छा लगता है। प्लीज आप लोग भी जाकर के इस गाने को सुनिए। और ये गीत जो है अभी तक कम से कम 15 से 16 मिलियन व्यूज पा चुका है, कल ही रिलीज हुई गाना। और मैंने जब इस गाने को सुना तो मुझसे रहा नहीं गया, और मैंने कहा कि इस गाने पर मैं जरूर से एक वीडियो लाऊंगा। और इतना कह दूं कि बहुत समय बाद ही सही, लेकिन बॉलीवुड ने उस चीज को पकड़ा है कि लोग किस तरह के गाने को सुनना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि गाना जो है, भले ही फिल्म 10 मई को आने वाली है, फिल्म आकर चली भी जाएगी, लेकिन यह गीत जो है हमेशा के लिए हमारे दिल में बस जाएगा। मुझे तो इस गाने से ऐसे वाइब्स आ रहे हैं। तो इस गाने को आप लोग सुनिए, देखिए, राजकुमार राव का काम इसमें अच्छा लग रहा है। आलाया एफ के साथ जो पिक्चराइज किया गया है, जो दोनों के एक्सप्रेशन है, एक्टिंग है, हाव भाव है, वो आपके दिलों को मतलब छू जाएंगे। और गाने के बोल तो बढ़िया हैं ही, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई कि आप लोग को इस गीत के बारे में पता चले। जाकर के सुनिए श्रीकांत मूवी का ये गीत, जो तू मिल गया तो हम दीवाने हो गए तेरे प्यार में, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन। इस गीत को मैं देता हूँ 4 out of 5, और आप लोगों के लिए गाना रिकमेंडेड है। अगर आप एक बढ़िया गाना सुनना चाहते हैं, एक सोलफुल रोमांटिक टच हार्ट टचिंग गाना सुनना चाहते हैं, तो प्लीज इस गाने को सुनिए, बार बार सुनिए और सुनते जाइए। और कहते ना कि अच्छा गीत सुनने से हमारा जो मूड अच्छा होता है, हमारे को बहुत अच्छा, हमारे जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो दिमाग में, उससे हमें खुशी मिलती है, एनर्जी मिलती है, तो ये उस कैटेगरी का गीत है। तो इस गीत को आप लोग भी पसंद करेंगे, मुझे बहुत पसंद आया है। यह फिल्म 10 मई को रिलीज हो रही है और इसे डायरेक्ट किया है तुषार हीरानंदानी ने। इस फिल्म के और गानों पर मेरी नजर रहेगी और इस फिल्म का मैं रिव्यू लेकर के आऊंगा जब यह फिल्म थिएटर में रिलीज हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।